दोस्तों 2024 में यामा ने एरोक्स के ऊपर और एक नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट आप देख पा रहे हो यह है आपका यामा एरोक्स 155 वर्सन एज वेरिएंट। इस वर्सन एज वेरिएंट का जो खासियत है एक छोटा सा वायरलेस की के साथ आती है, तो ये वायरलेस की अगर आपके जेब में है तो आप इजीली इस स्कूटर को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हो या फिर स्टार्ट कर सकते हो या फिर हैंडल लॉक को भी जो है आप ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक स्विच मिलती है अलग से, इस स्विच को प्रेस करके लाइक आप मॉल वगैरह में अगर इस स्कूटर को पार्क किए हो तो ढूंढ भी सकते हो, लाइक लोकेट माई व्हीकल भी जो है इस छोटा सा की से जो है आप कर सकते हो। तो ये छोटा सा की का जो है बहुत ज़्यादा फंक्शन है, आगे मैं आपको सारी चीज़ के बारे में बताऊंगा, इस की का क्या फंक्शन है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलती है, कितनी अपडेटेड ऑन रोड प्राइस है, कितना कलर ऑप्शन इस पर्टिकुलर वर्सन इस वेरियंट में आपको देखने को मिलती है, कितनी माइलेज आपको इस मैक्सी स्पोर्ट्स स्कूटर से मिल सकती है, ए टू जेड डिटेल्स इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू विक्ट्री ऑटोक्राफ्ट यामा कोलकाता शोरूम। आप अगर वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप विक्ट्री ऑटोक्राफ्ट यामा में कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। बाकी चलिए आज का वॉक अराउंड फटाफट शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस छोटा सा प्रीमियम सा वायरलेस की के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको एक सामने में यामा का लोगो दिख रहा होगा, रियर में आपको एक छोटा सा स्विच देखने को मिलते हैं। इससे बेसिकली आप आपका स्कूटर को जो है ढूंढ पाओगे, लाइक आप कहीं पर अगर पार्किंग में इसको खड़ा किए हो देन जो है इस स्विच को प्रेस करके आप इजीली जो है इसको ढूंढ पाओगे। जैसे आप प्रेस करते हो दो बार ब्लिंक का साउंड आती है एंड जो चारों जो इंडिकेटर है जो हैजार्ड है वो आपको जलता हुआ देखने को मिलेगा, इससे जो है आप इजीली इसको ढूंढ पाओगे। इस की का फंक्शन और क्या है, ये की अगर आपके पास है, आप अगर आपके जेब में इस की को कैरी कर रहे हो देन जो है आप इजीली इस नॉब को घुमा के इस स्कूटर को जो है अनलॉक कर पाओगे। देखिए ये की को जो है डिटेक्ट कर लेता है, यहाँ पे आपको इंडिकेशन भी दिख रहा होगा, तो की अगर आपके पास है तो ये की को इजीली जो है डिटेक्ट भी कर लेता है। और जैसे आप इसको बिना लॉक किए चले जाओगे, देखिए बिना लॉक किए आप अगर इस की को लेके थोड़ा सा दूर जाते हो देन जो है इसके अंदर से आपको एक ब्लिंक का साउंड सुनने को मिलेगा। ये देखिए आई थिंक आप सुन पा रहे होंगे, एक बजर बज रहा है ना, ये इसका मतलब है आप आपका स्कूटर को जो है अनलॉक ही छोड़ दिए हो। जैसे दोबारा आप की को लेके स्कूटर के नज़दीक आओगे ये ऑटोमेटिक जो है डिटेक्ट कर लेगा की को और इसका जो साउंड है जो बजर है वो बंद हो जाएगा। और जैसे आप इसको पूरा बंद कर दोगे, जैसे मैं अभी इसका पूरा इग्निशन पूरा जो है कटअप कर दिया हूँ, अभी अगर इस की को लेके मैं दूर जाता हूँ देन इसके अंदर से कोई भी आपको बजर का साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। तो एक की जो है बहुत ही स्मार्ट की है। देखिए यहाँ पे तो पहले आपको एरोक्स का जो नॉर्मल वेरिएंट है उसमें आपको की लगाने की अलग से जगह देखने को मिलती है, बट इसमें आपको एक नॉब दिया गया है। आई थिंक आप एक्टिवा 110 और एक्टिवा 125 का स्मार्ट वेरिएंट वाला तो आप देख ही चुके होंगे, उसी की तरफ इसमें भी आपको एक नॉब दिया गया है, लेकिन इसका जो फिट एंड फिनिश है एक्टिवा से कहीं गुना बेटर है और प्राइस भी डेफिनेटली इसका भी कहीं गुना ज़्यादा है एक्टिवा से। ओके तो कंपैरिजन वीडियो तो है नहीं, क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलती है वो बस मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। तो ये जो नॉब है इसको अगर आप ये मिड पोजीशन में रखते हो देन जो है आप इसका लाइक फ्यूल लेट को ओपन कर सकते हो। जैसे मैं फ्यूल की स्विच को दबाता हूँ देन जो इसका फ्यूल लेट ओपन हो जाएगी, ये आप देख पा रहे होंगे। दोबारा मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ इसको, पहले ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है उसके बाद लॉक होती है। ये देखिए फ्यूल का स्विच दबा रहा हूँ, ये देखिए ये लाइक ओपन हो जाती है। 5.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको दिया गया। माइलेज की अगर बात करें तो 35 के आसपास जो है माइलेज इस मैक्सी स्पोर्ट्स स्कूटर से आपको इजीली मिल जाएगी। एंड सेम टू सेम आप अगर सीट स्विच को प्रेस करते हो देन जो है इसका सीट भी आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगी। 24.5 लीटर की इसमें आपको बूट स्पेस मिलती है एंड आपका एक हाफ साइज हेलमेट तो इसके अंदर इजीली आ जाएगा। और जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो किट है वो इसके नीचे ही जो है लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। बाकी बूट स्पेस की अगर बात करें तो तगड़ा बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है, आप यहाँ पे खुद ही देख पा रहे होंगे। एंड काफ़ी सारा फुल फेस हेलमेट भी इसके अंदर आ सकती है अगर छोटा साइज का है। बाकी स्पेस जो है आपको यहाँ पर तगड़ा मिलती है। फिलहाल जो है मैं इसको बंद करता हूँ और एक बार यहाँ पर स्कूटर को जो है ऑन कर रहा हूँ। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कलर ऑप्शन की अगर बात करें तो पर्टिकुलर इस वर्सन इज वेरिएंट में आपको टोटल दो कलर ऑप्शन देखने को मिलती है। ये जो सिल्वर आप कलर देख पा रहे हो ये कलर आपको ये वर्सन इज में देखने को मिल जाएगी और नॉर्मल वेरिएंट पे भी आपको ये सिल्वर कलर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ये जो आप ब्लू कलर देख पा रहे हो ये ब्लू कलर भी आपको ये वर्सन इज वेरिएंट में देखने को मिलेगी।
एंड ये जो ब्लू कलर देख पा रहे हो ये भी वर्जन इस वेरियंट ही है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें भी आपको वायरलेस की देखने को मिलती है, ये आप देख पा रहे होंगे। बाकी आपको ये ब्लू पसंद है या फिर आपको ये सिल्वर कलर पसंद है, आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा आपका फेवरेट कलर कौन सा है। अभी प्राइस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट इसका जो एक शोरूम प्राइस है लगभग 151,500 रुपीज़ के आसपास इसकी एक शोरूम कीमत है, और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 183,000 के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता में देखने को मिल सकती है। अभी प्राइस क्यों इतना ज़्यादा है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, एरोक्स क्यों इतना ज़्यादा फेमस है और इसका प्राइस क्यों इतना हायर साइड पे है। बाकी नॉर्मल वेरियंट से अगर इसकी प्राइस डिफरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास जो है प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। कलर के बारे में बता दिया, प्राइस के बारे में बता दिया, वेरियंट के बारे में भी मैं आपको बता चुका। अभी बात करते हैं लाइट सेटअप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, जैसे आप इग्निशन को ऑन करते हो सामने में इसका जो DRL है, जो LED DRL है, वो आपको यहाँ पे जलता हुआ देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही प्रीमियम लुक है। हर फिट एंड फिनिश जो है आपको बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। और मेन हेडलाइट की अगर बात करते हो, रिफ्लेक्टर LED हेडलाइट सेटअप इसमें आपको दिया गया है। जैसे आप स्कूटर को स्टार्ट करते हो तब जाके इसका जो मेन हेडलाइट है वो आपको जलता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे मैं अभी स्टार्ट कर चुका हूँ इसको, अभी देखिए इसका हेडलाइट सेटअप। ये रही इसकी लो बीम, एंड एक बार हाई बीम भी ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। ये रही इसकी हाई बीम, और इसका लुक आपको कैसा लगता है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और मेरे को तो बहुत ही प्रीमियम लगती है। इनफैक्ट हर जगह जो है आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा, इधर भी आपको टेक्सचर दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी एरोक्स की बैजिंग आपको साइड में यहाँ पे देखने को मिलेगा, यामा की बैजिंग आपको साइड में यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइड में 155 लिक्विड कूल की स्टिकरिंग देखने को मिलेगा, और स्टिकरिंग को जो है बहुत ही तगड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी जो है इसके अंदर दिया गया है। एंड सामने में आपको यहाँ पे एक छोटा सा टाइनी सा यामा की लोगो देखने को मिलेगी, उसके ठीक ऊपर में एक टिंटेड मीटर सील भी दिया गया है। ब्लू कोड की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ इसका जो ब्रेक लीवर है ना, रिया ब्रेक लीवर या फिर जो फ्रंट ब्रेक लीवर आप देख पा रहे हो, ये पूरा मेटल की बनी है। नेक्स्ट ब्लिंकर्स की अगर बात करें तो बल्ब ब्लिंकर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, कोई भी LED ब्लिंकर्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है, बल्ब ब्लिंकर्स दिया गया। बट हाँ, हैजार्ड स्विच आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये रही इसकी हैजार्ड स्विच। एग्जॉस्ट नोट आप एक बार पहले सुन लीजिए, बहुत ही सूदिंग सा साउंड है, बहुत ही रिफाइन है। आपको इसका एग्जॉस्ट नोट से ही जो है पता लगेगा। थोड़ा सा मैं रिप कर रहा हूँ। बाकी आपको इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिए। फिलहाल जो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ओके, हैजार्ड को कर देता हूँ ऑफ। नेक्स्ट बात करते फ्रंट फेंडर के बारे में, तो इसमें आपको मिलती है फाइबर की फेंडर, सिल्वर फिनिश में दिया गया है। उसके साथ साथ इसमें आपको मिलती है सिंगल चैनल ABS, एंड फ्रंट में आपको मिलती है 26mm इनर ट्यूब वाली टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। बेसिकली इसका जो इनर ट्यूब आप देख पा रहे हो, ये जो इनर ट्यूब आप देख पा रहे हो, ये आपका 26mm की है, तो थोड़ा सा पतला है। बाकी फोक प्रोटेक्टर आपको यहाँ पे अलग से देखने को मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क की अगर बात करें तो 230mm की फ्रंट डिस्क मिलती है विथ सिंगल चैनल ABS के साथ। निसिन की कैलिपर आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगी। और टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो C8 की टायर है 110/80 14 इंचेस का अलॉय व्हील के साथ, आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलती है 110/80। आप समझ सकते हो कितना वाइट टायर इसमें आपको देखने को मिलती है, और टायर ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितना वाइट टायर है। ये सिर्फ फ्रंट का टायर इतना ज़्यादा वाइड है, वो भी एक 155cc की मैक्सी स्पोर्ट्स स्कूटर में। गोल्डन कलर में आपको यहाँ पर रिम दिया गया है। 145mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिलती है। बाकी इधर भी एयर पास होने की जगह दिया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। इधर भी वेंट्स दिया गया है। उसके साथ साथ एरोक्स की आपको यहाँ पे साइड में बड़ा सा बैजिंग देखने को मिलेगा। VVA टेक्नोलॉजीज में आपको देखने को मिलती है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, जो आपको बेसिकली MT15 या फिर R15 में देखने को मिलती है। वर्सन इसकी आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक के बारे में तो मैं आपको बता दिया, यहाँ से जो है आप फ्यूल को भर सकते हो। बाकी सीट की अगर बात करें तो डुअल लेवल आपको यहाँ पे सीट मिलती है। राइडर का जो सीट है थोड़ा सा लोअर साइड पे है, और पिलियन का जो सीट है थोड़ा सा अपर साइड पे है। यहाँ पे आपको एरोक्स की बैजिंग देखने को मिलेगी विथ वाइट स्टिचिंग के साथ। कंफर्ट की अगर बात करें तो ठीक है, मीडियम सॉफ्ट कंफर्ट आपको इस सीट से आराम से मिल जाएगी। और डेफिनेटली इस स्कूटर को लेकर आप लॉन्ग राइड वगैरह कर सकते हो, क्योंकि
इसमें आपको मिलती है लिक्विड कूल इंजन। जी हाँ गाइज, एरोक्स में आपको मिलती है लिक्विड कूल इंजन VVA टेक्नोलॉजी, जिसके कारण स्कूटर का जो प्राइस है दूसरा कोई भी स्कूटर के प्राइस के साथ मैच नहीं होती है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इसका इंजन के बारे में। बाकी सीट जो है डेफिनेटली कंफर्टेबल है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 790 mm इस स्कूटर की सीट हाइट है। या बाकी वेट की अगर बात करें तो 165 kg ओनली इस स्कूटर की वेट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लाइट वेट स्कूटर है। इधर आपको प्रॉपर एल्युमिनियम की फुटरेस्ट दिया गया है, जो देखने में एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है। एंड इधर आपका फुटरेस्ट आपको दिख रहा होगा, राइडर का फुटरेस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, और इधर भी आपको फुटरेस्ट दिख रहा होगा। पीछे में आपको 155 की बैजिंग देखने को मिलेगी, यामा की प्रीमियम लोगो आपको देखने को मिलेगा। LED टेल लाइट आपको हर ईयर में देखने को मिलती है, जो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। विद बल्ब ब्लिंकर्स, जिसको आप चाहे तो एक्सेसरीज के दौरान LED लगवा सकते हो। नंबर प्लेट का जो लाइट है वो आपको मिलती है बल्ब में। रियर में आपको मिलती है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, ओके, और आई थिंक ये आपका नॉन एडजस्टेबल है, ओके। और स्विंग आर्म भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एग्जॉस्ट काफ़ी बड़ा सा एक बाइक की तरफ एग्जॉस्ट दिया गया है। रियर टाइप प्रोफाइल की अगर बात करें तो इसमें आपको रियर में आपको मिलती है 140x70 14 inches के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो रियर में आपको मिलती है 140 सेक्शन की टायर, ये आप देख पा रहे होंगे टायर की चौड़ाई। C8 का टायर आपको इसमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ एक बड़ा सा रियर में आपको यहाँ पे फेंडर देखने को मिलेगा, जिसके पीछे आपको रिफ्लेक्टर भी दिख रहा होगा। एंड ये जो आप ABS जैसा आप रिंग देख पा रहे हो ना, ये बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए दिया गया है। तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलती है, जिसको आप चाहे तो ऑफ ऑन कर सकते हो। इंजन की अगर बात करें तो ये आपका 155 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वाल्व SOSC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको इसमें दिया गया है। पावर फिगर की अगर बात करें तो 15 PS की मैक्स पावर मिलती है और 13.9 Nm की मैक्स टॉर्क इसमें आपको देखने को मिलती है। रियर में आपको मिलती है 130 mm की ड्रम ब्रेक, ओके, और इधर आपको मिडिल स्टैंड भी देखने को मिलती है, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलती है। बाकी साइड प्रोफाइल इसका आप देख पा रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। इधर आपका राइडर का पैर रखने के लिए जगह दिया गया है। बाकी इधर भी आपको टेक्सचर दिख रहा होगा, आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब अटेंशन टू डिटेल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हर जगह जो है आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा। इधर भी आपको टेक्सचर दिया गया है। इनफैक्ट एक छोटा सा ग्लव बॉक्स है, जो पुश करके जो है लॉक होती है, और पुश करके आप इसको चाहते हो अनलॉक कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। और इसमें एक मैकेनिकल की भी आपको देखने को मिलती है। ये जो आप मैकेनिकल की देख पा रहे हो, इससे बेसिकली आप इमरजेंसी सिचुएशन में इसका सीट को ओपन कर सकते हो। कैसे ओपन कर सकते हो, चलिए वो भी मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक इसके नीचे है, ये आप देख पा रहे होंगे, इससे बेसिकली आप इमरजेंसी सिचुएशन में लाइक यहाँ पे चाबी को लगा के इसको जो है सीट को ओपन कर सकते हो। ये आप देख पा रहे होंगे सीट को बेसिकली यहाँ से ओपन कर सकते हो, और इसको आप चाहे तो ऐसे बंद भी कर सकते हो। जैसे MT15 में आपको देखने को मिलती है, वैसा सिस्टम जो है इसके अंदर भी दिया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं इसको बंद कर दिया, सही से वो बंद नहीं हुआ, बाद में जो है मैं उसको सही से बंद कर दूंगा। बाकी इधर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलती है, लाइक आपका फ़ोन वगैरह जो है इसके अंदर रख के आप आराम से चार्ज कर सकते हो। बाकी इसको बंद कर सकते हो। यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट, बेसिकली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको मिलती है, जिससे आपका व्हीकल को जो है आप लास्ट कहाँ पे पार्क किए थे वो आप चेक कर सकते हो। माइलेज कितना दे रहा है, माल फंक्शन क्या क्या आ रहा है, वो आप फ़ोन पे जो है इजीली चेक कर पाओगे। मीटर कंसोल की अगर बात करें तो मीटर कंसोल इसमें आपको फुल्ली लोडेड मीटर कंसोल देखने को मिलते हैं, फुल्ली डिजिटल दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे आपका स्पीडो डिटेल्स, इधर आपका टैकोमीटर इसमें आपको दिया गया है। जी हाँ गाइस, एक बार मैं इसको स्टार्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे टैकोमीटर आपको यहाँ पे अलग से देखने को मिलती है। इधर है आपका फ्यूल गेज, यहाँ पे TCS ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल जो है मैं उसको एक बार बंद कर रहा हूँ, ओके। और क्या कुछ मिलती है, बहुत सारा फीचर्स आपको मिलती है। यहाँ पे टाइम दिया गया है, आपको अगर इसको टॉगल करना है तो आपको ये सामने में एक मेनू स्विच मिलती है। इस स्विच, ये कोई डिपर का स्विच नहीं है, इस स्विच को अगर आप प्रेस करते हो तो इसका मेनू आपको बदलता हुआ देखने को मिलेगा, ओके। देखिए अभी ये यहाँ पे शो कर रहा है Trip 1, ओके, Trip 2, Trip 8 meter, उसके साथ साथ इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आपको कितना मिल रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है, एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको कितना मिल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, एंड बैटरी वोल्टेज आपको यहाँ पे शो कर रहा है। उसके साथ साथ
यहाँ पे ऑयल चेंज का इंडिकेशन जब आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ वी बेल्ट में अगर कुछ दिक्कत आता है तो उसका वार्निंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो BLG03 आप देख पा रहे हो, इस ये बेसिकली आपका ब्राइटनेस को जो है कंट्रोल करने के लिए, इसमें आपको 3 लेवल तक जो है ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद है ट्रैक्शन कंट्रोल, इसको अगर आपको ऑफ करना है तो आप सिंपल इसको ऑफ कर सकते हो, अगर आपको ऑन करना है तो सिंपल आप इसको ऑन कर सकते हो। बाकी इसको और एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें आपको और क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। बाकी इसमें आप देख पा रहे हो VVA जब किक इन होती है तब ऊपर में आपको VVA की इंडिकेशन देखने को मिलती है, तो बहुत ज़्यादा लोडेड है। इंडिकेटर की सिग्नल आपको दोनों साइड पे दिख जाएगी, उसके साथ साथ ABS की सिग्नल इधर वायरलेस की जैसे कनेक्टेड हो जाती है, उसका सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इधर है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन माल फंक्शन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर्स भी इसमें आपको मिलती है। जी हाँ गाइस, इसमें आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का अलग से स्विच भी दिया गया है, जिसको जो आप चाहते हो ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हाई बीम का सिग्नल का इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्यारा सा ब्लैक फिनिश में ये मीटर कंसोल आपको दिया गया है, उसके साथ साथ छोटा सा एक टाइनी सा यामा का लोगो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इधर है आपका हैजार्ड स्विच, यहाँ पे सेल बटन, यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने की स्विच, यहाँ पे हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच, एक बार हॉर्न, सिंगल हॉर्न है बट डेफिनेटली लाउड आपको मिलती है। बाकी इधर आपका रियर ब्रेक लीवर, इधर आपका फ्रंट ब्रेक लीवर, कोई भी एडजस्टेबल ब्रेक लीवर आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी मिरर से भी जो है आपको प्रॉपर विजिबिलिटी इजीली मिल जाती है। तो प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली इसमें जो फीचर्स आपको मिलती है वो बहुत ही तगड़ा दिया गया है। बाकी दोस्तों आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा आपको ये न्यू 2024 यामा एरोक्स 155 वर्सन इस वेरिएंट कैसा लगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा आपको ये न्यू 2024 यामा एरोक्स वर्सन इस वेरिएंट कैसा लगा। बाकी आपको अगर इसका नॉर्मल वेरिएंट खरीदना है, नॉर्मल जो यामा एरोक्स 155 आता है वो भी आपको शोरूम पे मिल जाएगा, उसको अगर खरीदना है तो डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो आपका नियरेस्ट यामा डीलर के पास। और वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।